हेलो माय हुसैन, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सही सुना मैंने, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम आशा करते हैं आप इस समय कोरोना की बीमारी से आप सुरक्षित होंगे, हर हर महादेव की कृपा से। तो एक बार जयकार लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम टॉपिक्स लाए टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, देयर आर मेनली फाइव टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा इंड्यूस एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, चौथा है नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पांचवा है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट इज रियल इन्वेस्टमेंट। आइए पॉइंट वाइज हम डिटेल में चर्चाएंगे। पहला पॉइंट है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वह होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक प्रॉफिट, पब्लिक वेलफेयर के पर्पज से किया जाता है। ओके मैडम, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ओके मैडम, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड। जस्ट लाइक रोड्स, बिल्डिंग, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब का इस्टेब्लिशमेंट करना, इन सब को बनाना, सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, इन सारी मौलिक सुविधाओं को पब्लिक के लिए व्यवस्था कराना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की तहत आता है, जिसका मेन मोटो है पब्लिक, मैक्सिमम पब्लिक सोशल वेलफेयर, जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक हित में किया। ओके भाई, सेकेंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट फर्म, बिजनेसमैन, इंटरप्रेन्योर के द्वारा इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए मार्केट में किया जाता है, जिसका मेन मोटो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग करना। ओके मैम, जस्ट लाइक प्राइवेट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हब्स, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कंपनी, इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल कंपनी एक्सेट्रा, इस तरह की मार्केट में स्थापना करने का मेन उद्देश्य यही है, ताकि हम प्राइवेट अर्निंग को अधिक से अधिक बढ़ावा दे सकें और जो प्राइवेट इन्वेस्टर, इंडस्ट्री, बिजनेस में एंटरप्रेन्योर के द्वारा ही इस तरह का पैसा मार्केट, इस तरह के प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाया है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं माइडियर स्टेन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड थर्ड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को टोटल सम करें तो जो हमें मिलता है उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अर्थात मार्केट में जितने भी तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं उसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, जिसमें उसका डिप्रिसिएशन चार्जेस, डिप्रिसिएशन वैल्यू भी ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मशीनरी में इन्वेस्ट करना, ये क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन मशीनरी भी कुछ समय बाद उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि उसके पुर्जे, मशीनें, पार्ट टूट जाते हैं, कम हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उस समय कुछ सालों बाद उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो इसी जो वैल्यू कम होती है उसको डिप्रेशन वैल्यू बोलते हैं। और तो चूंकि ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो हम मार्केट में जितने तरह के इन्वेस्टमेंट है, चाहे ऑटोनोमस हो, चाहे इंड्यूस्ड हो, इन सभी को टोटल हम ऐड करते हैं तो इससे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसमें इसका डिप्रेशन वैल्यू भी ऐड होता है। ओके, फोर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़े, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में डिप्रेशन वैल्यू माइनस कर दे तो हमें मिलता है नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मशीनरी में हमने मान लीजिए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, आज से 10 साल बाद मशीनों के पुराने, टूट फूट, ट्रक रख जर्जर होने के कारण पुराने का, उसकी मार्केट वैल्यू आज से 10 साल बाद 5 लाख हो गई, क्योंकि अगर हम उसे किलो के भाव या कूड़े के भाव से भी मिले तो हो सकता है 10 लाख की मशीन हमें 5 लाख में बिक जाए। तो वो जो 5 लाख रुपये माइनस कम हो गया वैल्यू, इसी को उसका डिप्रेशन वैल्यू या ह्रास मान कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 10 साल बाद इस मशीन का नेट इन्वेस्टमेंट, नेट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे, 5 लाख। तो यही 5 लाख जो है उसकी नेट इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू है। ओके मैम, तो हम कह सकते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जब हम डिप्रेशन वैल्यू या चार्जेस माइनस करें तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके मैम, क्योंकि इसका, इस मशीनरी या इस तरह के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कुछ सालों बाद डिक्रीज होता है। ओके मैम, फिफ्थ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़े, दैट इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में वह इन्वेस्टमेंट रहता है
जो मनी मार्केट शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, जस्ट लाइक किस फॉर्म में, शेयर डिबेंचर इक्विटी बॉन्ड सिक्योरिटी एक्सेट्रा पॉलिसी म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, इन सभी को परचेज करने में जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो पैसा इन्वेस्ट उसी को हम फाइनेंशियल इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में जो भी पैसा इन्वेस्ट हो, चाहे शेयर हो डिबेंचर हो इक्विटी हो बॉन्ड हो LIC हो पॉलिसी हो इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, तो इस तरह के मार्केट में इन्वेस्टमेंट को हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रियल एक्सपेंडिचर, रियल इन्वेस्टमेंट है। रियल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जो मशीनरी है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, जितने भी तरह के मार्केट मशीनरी है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, इस इन सब में जो पैसा बिजनेस के प्रोसेस से, प्रोडक्शन के प्रोसेस, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम रियल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके मैम, से जस्ट लाइक स्कूल कॉलेज बिल्डिंग मशीनरी एक्सेट्रा, तो इस तरह में, इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस या बिजनेस प्रोसेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है प्रॉफिट के पर्पज से, उसी को हम रियल इन्वेस्टमेंट करें। ओके मैम, आज हमने चर्चा किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर नहीं तो विजुअल वी हैव टुडे डिस्क्राइब इन शॉर्ट द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड लास्ट फाइनली रियल इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, मैं उसका जवाब दूँ, और होगा नहीं तो विश्वास मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी ना चौगनी तरक्की, इससे मुझे खुशी की क्या बात। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते हैं, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते हैं, और मेरा मानना है वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट स्पॉइल। ओके मैम, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत, फिर किसी नए टॉपिक से, या इसी टॉपिक संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। कल का एडवांस हम आपको बता दें, टॉपिक रहेगा माय डियर स्टूडेंट, कल का एडवांस टॉपिक रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंशन। ओके मैम, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत, या इसी टॉपिक संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।